रूस यूक्रेन युद्ध को दो साल हो चुके हैं, दो साल से यह वॉर जारी है। पुतिन लगातार यूक्रेन के इलाकों पर बमबारी कर रहे हैं। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही पुतिन को कह चुके हैं कि यह दौर युद्ध का दौर नहीं है। अब यूक्रेन के विदेश मंत्री उम्मीदों के साथ भारत आए और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ युद्ध से लेकर शांति पर बातचीत हुई। यह पहला मौका था जब यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा भारत की यात्रा पर आए। कुलेबा के विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों ने रूस के साथ यूक्रेन के जारी संघर्ष और इसके प्रभावों पर चर्चा की। एक अहम बात यह भी है कि स्विट्जरलैंड शांति वार्ता के लिए भारत ने अपनी हामी भरी है और इस बातचीत में हिस्सा लेने की बात भी कही है। तो भारत रूस का भी करीबी है और यूक्रेन का भी, दोनों देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। अब सवाल यह कि क्या रूस यूक्रेन जंग का समाधान भारत के पास है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। जरा इसको भी हम समझे कि ये सवाल भारत के सामने क्यों है। रूस यूक्रेन में शांति के लिए भारत का अहम रोल माना जा रहा है और पुतिन ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी के संबंध अच्छे हैं, ये एक बड़ा आधार भी है इसका। मोदी पुतिन ज़ेलेंस्की से अलग अलग मुलाकात कर चुके हैं। मोदी पुतिन से कह चुके हैं कि ये युद्ध का दौर नहीं है, ये युग युद्ध का नहीं है, हमें शांति चाहिए। मध्यस्थता के लिए भारत सबकी पसंद बन सकता है अपनी स्थिति की वजह से। और जनवरी में स्विस सरकार ने भी एक बड़ी घोषणा की थी, रूस यूक्रेन युद्ध के शांति फॉर्मूले पर शिखर सम्मेलन में का ऐलान किया गया और ज़ेलेंस्की ने भारत को शिखर सम्मेलन का निमंत्रण दिया था। यूक्रेन को भी उम्मीदें हैं भारत से। बड़ा सवाल क्या है, क्या स्विट्जरलैंड समिट में भारत रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि भारत की सभी देश सुन रहे हैं, भारत शांति का पक्षधर है। आखिर क्यों रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते के लिए भारत की तरफ दुनिया देख रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? आपको इसकी तुलना भी हम समझाते हैं, यह भी जरा समझिए। अगर रूस की बात करें तो रूस भारत का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यानी कि जो ट्रेड पार्टनरशिप है भारत और रूस के बीच वो काफी बड़ी है और ट्रेडिशनल भी है। ये ट्रेड पार्टनरशिप ट्रेडिशनल है। यूक्रेन की बात करें तो 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार यहां पर 3.386 बिलियन डॉलर का रहा है, यानी कि वहां से भी ट्रेड धीरे धीरे ग्रो करता रहा है। और युद्ध के दौरान में भी भारत रूस के इससे तेल खरीदता रहा। आपको याद होगा कि एस जयशंकर ने इस पर बड़ा स्पष्ट बयान दिया था तेल खरीद को लेकर, और भारत ने साफ स्टैंड किया था कि रूस से हमारे जो संबंध हैं वो रहेंगे, हम उस पर स्टैंड ले रहे हैं। और यूक्रेन की बात करें तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 25 साल में बढ़ा है। दोनों का अगर देखा जाए तो एक म्यूचुअल रिलेशन कई मामलों में बढ़ा है, व्यापार के अलावा भी। रूस की बात करते हैं तो 2025 तक द्विपक्षीय निवेश 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगा। ये एक लाइन है, एक ऐसी लाइन है यानी कि 2025 की, जब ये व्यापार काफी बड़े स्केल तक पहुंच जाएगा। यूक्रेन की बात करें तो कीव में स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए भारत की तरफ से आर्थिक मदद। अब यूक्रेन में चूंकि कंस्ट्रक्शन होना है, जो नुकसान हुआ है उसमें भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। रूस की बात करें, दोनों देशों के बीच लंबे समय से रक्षा संबंध है। यह बात दुनिया में किसी से छिपी नहीं है कि बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है रूस भारत का, ट्रेडिशनल और बहुत ही रिलायबल। यूक्रेन की बात करें तो कीव के 3 स्कूलों के शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए भारत फंड दे रहा है। तो ऐसे में यूक्रेन के साथ एक अलग स्तर का संबंध भारत और यूक्रेन के बीच नजर आ रहा है।